मुझे किन शराइत पे कर्जा मिलेगा और कर्जा लेने के लिए मेरा स्टेटस क्या होना चाहिए? मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? क्या मुझे जमानत की जरूरत पड़ेगी? ऑफर तो अच्छी है, लेकिन हिडन चार्जेस कितने होंगे? तो इसके लिए मुझे किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी? क्या आपके जहन में भी कर्जों को लेकर ऐसे ही सवाल आते? तो आइए आपको बताते हैं कि बैंक के कर्जे में इंटरेस्ट का क्या चक्कर है। पाकिस्तान में अक्सर लोगों का ख्याल है कि अगर उन्होंने 12% इंटरेस्ट पर 1,00,000 कर्ज लिया है तो इसका मतलब है कि उन्हें कुल 1,12,000 रुपए वापस करना होंगे, जबकि बात इतनी सादा नहीं। दरअसल अगर किसी बैंक ने आपको 1,00,000 कर्ज दिया है तो इसका इनसार इस बात पर है कि आया वो रनिंग फाइनेंस है या साल के आखिर पे दिया जाने वाला मार्कअप। रनिंग फाइनेंस महदूद मदद के लिए दिया जाने वाला एक तरह का क्रेडिट कार्ड है, जिसमें बैंक किसी कारोबार के रोजमर्रा अखराजात पूरे करने के लिए एक हद को मद्देनजर रखते हुए कर्ज देता है और इसमें आप जितना खर्च करते हैं उतना मार्कअप पड़ता है और हर साल बैंक से उसकी तजदीद करवानी पड़ती है। लेकिन ये मार्कअप क्या है? मार्कअप से मुराद दिया गया कर्जा इस्तेमाल करने की फीस है। अच्छा, तो बैंक के कर्जे पर इकसात कैसे तय होती हैं? दरअसल क्लाइंट को कर्जा देते वक्त बैंक उन्हें एक एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना कर देता है, जिसे आम जबान में ये भी कहा जाता है कि किस्तें कितनी बनती हैं। इस स्केड्यूल में बैंक क्लाइंट को समझाते हैं कि उन्होंने कुल जितना कर्जा लिया है हर महीने उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट बनेगा, लेकिन इसमें कंपाउंडिंग फैक्टर आ जाता है। पहली किस्त में आपको पूरी रकम पर एक ही बार में 12% इंटरेस्ट लगाकर दे दिया जाता है और अगले 5 साल आपने हर महीने उतनी ही किस्त देनी है। दूसरी किस्म, जिसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं, उसमें पहले महीने की किस्त देने के बाद आपके अकाउंट में जितनी रकम बच जाती है दूसरे महीने की किस्त का हिसाब उस पर लगाया जाता है और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। कर्ज की किस्त आखिर किन बातों पर मबनी होती है? स्टेट बैंक ने हर बैंक को काइबोर यानी कराची इंटरबैंक ऑफर रेट या वो शरह सूद जिस पर बैंक आपस में लेन देन करते हैं बता दिया होता है। उसकी बुनियाद पर बैंक के अपने मुनाफे के मार्जिन होते हैं। काइबोर के ऊपर हर बैंक अपनी ज़रूरियात, ऑपरेटिंग कॉस्ट, नेटवर्क कितना बड़ा या छोटा है, दफातर के खर्चे और दूसरी चीज़ों को देखते हुए एक परसेंटेज फिक्स करते हैं कि हम अपने क्लाइंट से हुकूमत के दिए गए रेट के ऊपर 3% या 4% या 5% ज़्यादा चार्ज करेंगे। उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। किस्त की सालाना रकम कम कैसे होती है? बैंक के कर्जे पर शुरू की एक साथ में सूद का हिस्सा ज़्यादा होता है, मतलब अगर आपने 10% इंटरेस्ट पर 5 साल के लिए 1,00,000 रुपये कर्ज लिया है तो पहले साल आपको 25,000 रुपये प्रिंसिपल यानी असल रकम के साथ 10,000 इंटरेस्ट अदा करना होगा, यानी पहले साल आपको 35,000 रुपये वापस करना होंगे। जब दूसरा साल शुरू होगा तो आपकी किस्त का हिसाब 75,000 के हिसाब से लगाया जाएगा, क्योंकि 25,000 तो आप जमा करवा चुके हैं, लिहाजा आपको अब 75,000 पर 7,500 रुपये इंटरेस्ट अदा करना है, यानी आपकी किस्त बनेगी 32,500 रुपये। इसी तरह हर साल किस्तों की रकम कम होती जाती है। अच्छा, तो ये वेरिएबल और फिक्स्ड इंटरेस्ट से क्या मुराद है? जैसा कि नाम से जाहिर है, वेरिएबल इंटरेस्ट के कर्जों में इंटरेस्ट की शरह ज़्यादा या कम हो सकती है, क्योंकि काइबोर रोज़ाना तब्दील हो रहा होता है और चूंकि बैंक सारा लेन देन काइबोर रेट की बुनियाद पर करते हैं, इसीलिए बैंक की जानिब से दिए गए कर्ज और इस पर मुनाफा भी तब्दील होता है। मसलन आज अगर काइबोर 6.75 है और बैंक ने आपको गाड़ी के लिए 6.75 काइबोर जमा 3% इंटरेस्ट पर कर्जा दिया है तो ये 9.75% इंटरेस्ट बनता है। लेकिन अगर 2 महीने के बाद स्टेट बैंक काइबोर बढ़ाकर 7.75 कर देता है तो वो 3% जो बैंक आपको चार्ज कर रहा है वो तो वही रहेगा, लेकिन काइबोर 7.75 होने से अब आपको अदायगी 10.75% इंटरेस्ट पर करना होगी। लिहाजा वेरिएबल कर्जे की सूरत में ये मुमकिन है कि आपने जिस इंटरेस्ट पर कर्ज़ा लिया था वो पहले साल तो वही रहे, लेकिन अगले साल अगर हुकूमत ने काइबोर ज़्यादा कर दिया तो आपको किस्तों की मद में ज़्यादा रकम अदा करनी पड़ सकती है। लेकिन याद रखिए, अगर काइबोर बढ़ सकता है तो ये कम भी हो सकता है। फिक्स्ड कर्जे ज़्यादातर ज़ाती कर्ज़ों या क्रेडिट कार्ड की सूरत में दिए जाते हैं, जिनमें आप 10 या 15 साल के लिए एक फिक्स्ड या मुकर्रा रेट पर कर्ज ले सकते हैं। फिक्स्ड कर्जों में बैंक क्लाइंट से कहता है कि बेशक काइबोर का रेट 9% हो जाए या 50%, हम आपसे 25% ही चार्ज करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि बैंक कर्ज देने से कबल क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। क्लाइंट प्रोफाइल, फाइनेंशियल हिस्ट्री, स्टेटमेंट, सिक्योरिटी यानी जमानत, मार्केट रेपुटेशन, चेक डिफॉल्ट, तजर्बा और रेफरेंसेस। अगर आप तनख्वाहदार शख्स हैं तो बैंक चेक करेगा कि आप नौकरी कहाँ कर रहे हैं और आपकी मुलाजमत मुस्तकिल है या नहीं। अच्छा, तजर्बे से क्या मुराद है? अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं
तो आपको सॉफ्टवेयर हाउस खोलने के लिए तो कर्ज मिल सकता है, मगर कपड़ों की बुटीक खोलने के लिए कर्जा मिलना थोड़ा मुश्किल है। रेफरेंस से मुराद एक ऐसा शख्स है जो आपकी जमानत देता है। लेकिन अगर आप इस्लामिक बैंक से कर्ज लेने जाते हैं तो यहाँ भी शरी कवानीन की तरह दो खवातीन को एक रेफरेंस माना जाएगा। पाकिस्तानी खवातीन में कर्ज लेने की शरह इंतहाई कम है। तो ये शरह कम क्यों है? क्या आप जानते हैं कि हुकूमत ने सन 2013 से 18 के दरमियान नौजवानों के लिए कर्जों की जिस स्कीम का ऐलान किया उसमें खवातीन के लिए 50% कोटा रखा गया था? लेकिन हुआ क्या, जिन 1,00,000 अफराद ने कर्ज लेने के लिए अप्लाई किया उनमें खवातीन की तादाद सिर्फ 12% थी। शायद इसीलिए हालिया स्कीम में खवातीन का कोटा 25% कर दिया गया है। खवातीन और नौजवानों के लिए आसान रास्ता क्या है? कारोबार करने के लिए नौजवानों और खवातीन को किसी बैंक से कर्ज लेने के बजाय किसी हुकूमती स्कीम से लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस सूरत में सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती और हालिया हुकूमती स्कीम में 1 करोड़ रुपए तक कर्ज लिया जा सकता है। बस इसका इन्हिसार आपके मंसूबे पर है। दूसरी सूरत में छोटे पैमाने पर अनसिक्योर्ड लेंडिंग या ऐसे कर्जे भी मिल सकते हैं जिनमें आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती और आप 20,00,000 तक का कर्ज ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा कर्जा चाहिए तो फिर अपने माली वसाइल बढ़ाना होंगे या फिर निजी ज़राए से रकम जमा करना होगी। और अगर आप देहात में रहने वाली खातून हैं और नया कारोबार शुरू करना चाहती हैं तो आप ज़मानत के तौर पर बैंक को अपने जेवरात दे सकती हैं। उस सूरत में आपको 24 घंटों के अंदर अंदर कर्ज मिल जाता है जिससे आप अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक कर्ज लेने से पहले अपनी स्टेटमेंट ठीक करनी चाहिए, कर्ज की कुल रकम का तायुन करें और हाल और मुस्तकबिल के इंटरेस्ट रेट समेत मार्केट से बाखबर रहें और उतना ही कर्ज लें जितना आपका कारोबार अदा कर सके और उस पर बोझ ना बने।